इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का 38th एडिशन का कल शुभारंभ बहुत धूमधाम से किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा, ये है सिक्योरिटी के लिए कैमराज एक्सरे मुश्ता, अफगानिस्तान में सिक्योरिटी पर्सनल तैयार और सिक्योरिटी का और एक्सरे स्कैनर है। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में बहुत धूमधाम से किया गया है, बहुत ज़ोरदार तरीके से, और साथ ही साथ है ये है स्नाइपर राइफल जो 1 किलोमीटर की रेंज से मार कर सकती है, और जम्मू एंड कश्मीर एरिया में इसी राइफल से स्नाइपर्स अपने फोर्सेस पर वार कर रहे हैं, जिसमें 4-5 मार्टियर्स उग्रवादियों ने किए हैं। यही वो राइफल है, स्नाइपर राइफल, देख लें ध्यान से, 1 किलोमीटर इसकी रेंज है और 4 किलोग्राम वजन है अंदाजा, और 51 mm इसमें कैलिबर का अपना बुलेट डलती है, और ऑस्ट्रेलिया में ये बनी है, स्निपर राइफल इसको बोला जाता है, स्टेयर प्रसिजन, और 3 किलोमीटर से ऊपर 3,700 मीटर तक इसकी मार हो सकती है मैक्सिमम, और कम से कम 400 मीटर दूर से दुश्मन पर ये वार कर सकती है, छुपकर दुश्मन को बचने का कोई मौका नहीं देती। हम हैं सीआरपीएफ पवेलियन में, जिसमें रैपिड एक्स फोर्सेस का ये लगा हुआ है, और मिनिमम लेथल बीपल का भी लगा है इसमें स्टॉल में, और जो शहीद हैं हमारे टाइगर्स श्री चेतन कुमार चीता और लेट श्री प्रमोद कुमार कमांडेंट, जिन्होंने देश के लिए शहीदी दी है, कीर्ति चक्र से सम्माने गए हैं दोनों, और मडगार फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर में अहमदीन पासवाल के साथ हैं, जिन्हें अपनी एक टांग खो दी थी एलओसी में एक्सप्लोजन के ऊपर, जबकि आईईडी एक्सप्लोजन में था, और कोबरा इन एक्शन देख पा रहे हैं आप, और कोबरा स्पेशल फोर्स फॉर जंगल वारफेयर, ये पर्टिकुलरली ऐसे दांतेवाड़ा में भी हुआ है, इस तरह के लोग हैं, जिसमें हमारे रिपोर्टर अच्युतानंद साहू भी शहीद हो गए थे। धन्यवाद। और तोप के गोलों से युद्ध छिड़ चुका था। ये स्पेशल इक्विपमेंट है कोबरा फोर्सेस के लिए, सीआरपीएफ का कोबरा यूनिट है जो स्पेशल एक्शन के लिए बनाया गया। आईटीपीओ जीएम सिक्योरिटी सर, क्या नई तैयारियां की गई हैं 38 इंटरनेशनल ट्रेड फेयर के लिए? देखिए, हमारा जो सिक्योरिटी से रिलेटेड है वो एक सेट डील होती है, और हम स्टेज वाइज 9 दिन पहले से हमारी तैयारी शुरू थी, और उसमें कई एजेंसीज हमारे पास आती हैं, दिल्ली पुलिस आती है, उसके बाद सीएसएफ हमारे पास है, सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स को हम लोग हायर करते हैं, हमारे खुद के सिक्योरिटी स्टाफ भी हैं, तो ये प्लानिंग कई दिनों से चल रहा था और सबका एक साथ काम हम लोग कर रहे थे, और आज काफी अच्छा कोऑर्डिनेशन सब में रहा और काफी अच्छी सिक्योरिटी का भी अरेंजमेंट रहा, तो किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं रहा। इसके अलावा हमने सीसीटीवी कैमराज भी लगाए हैं, हॉल में भी लगाए हैं, और हर रूफ पे लगाए हैं, हर गेट्स पर लगाए हुए हैं, उससे भी निगरानी हम लोग कर रहे हैं, तो पूरी तैयारी हमारी है। हमने जो सिविल डेस्क में जो दस्ते भी बीच में रखे हैं, जहां भी क्राउड रहेगा, ताकि कोई भी चेन स्नैचिंग की या मोबाइल चोरी वगैरह की घटना ना हो। सर, ये तो था जो प्रिवेंटिव था, अगर कुछ घटना हो जाती है तो उसके लिए क्या करा? हो जाएगी, उसके लिए भी हमारी कंटिजेंसी प्लान्स तैयार रहते हैं, वो बना करके हम लोग रखते हैं कि क्या क्या इंसिडेंट्स यहाँ पर हो सकते हैं और उसके लिए क्या क्या हमको एक्शन लेना है, किस किस एजेंसी का क्या क्या रोल रहेगा, तो वो हमारा पूरा बना हुआ है, सबको पूरी तरह से ब्रीफिंग दी गई है। इवन हमने जो आईटीपीओ के एम्प्लॉयज है उनको भी हमने ब्रीफिंग दी हुई है कि कोई इंसिडेंट अगर हो जाता है उनका उसमें रोल क्या रहेगा, उनका एक्शन क्या होगा उसमें, तो वो पूरा हमने पूरी तैयारी की हुई है। और कितना विजिटर सर एक्सपेक्टेड है आना इसमें बिजनेस डे में और उसके बाद जनरल डे में? देखिए, विजिटर्स को आपको पता है कि हम कम एरिया में इस बार कर रहे हैं, थोड़ा छोटा एरिया, उसी के हिसाब से जितने भी लोग अकोमोडेट हो सकते हैं उतने लोगों को हम लोग बुलाएंगे यहाँ पर, तो वो सब हमने डील कर लिए कि हमारे हॉल के अंदर कितने लोग रह सकते हैं, कितना रूट पे लोग रहेंगे, कितना हमारे जो कंटिजेंसी एरिया वगैरह है, कितने लोग अकोमोडेट उसमें हो सकते हैं, उतने लोगों को हम लोग बुलाएंगे। अप्रोक्सीमेटली कितना कोई नंबर? आप देखिए 25,000-30,000 के आसपास पर डे पर डे पर डे जी।
ये थे अजय वशिष्ठ जो बता रहे थे कि फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम है और साथ में कुछ मिस ऐप होता है उसके लिए ब्लूप्रिंट तैयार है और कंप्लीट अश्योर कर रहे हैं पब्लिक को और विजिटर को। पर इस बार चूंकि लिमिटेड एडिशन है, ये गाड़ी की तरह जैसे होता है उसमें स्पेस 1/4 से भी कम है और उसी हिसाब से विजिटर भी कम अलाउ किए जा पाएंगे। धन्यवाद सर।